तो हेलो दोस्तों, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आयडा ने किए हुए जो कांड है ना, वो हमें पता चल चुके हैं। तो जैसे हमें पता है, ये जो आयडा नाम की चीज है, इसने बोरुटो की लाइफ तबाह कर दी है, बोरुटो की लाइफ। तो इसके लिए ही ये वीडियो बनाई है मैंने। तो पहली बात, आयडा कितने साल की है? 16 साल की। तो फिर वो पास्ट का देख सकती है, पर वो तब का ही देख सकती है जब से वो पैदा हुई थी। इसलिए अब हम जाएंगे उसके पास में। तो नारुतो अभी 30 साल का है। हाँ, तो अभी अगर हमने 16 से माइनस को तो बचता है। तो सुनो, एक सिंपल कंपैरिजन लेता हूँ मैं। अभी मुझको माइनस वैट्स का कुछ नहीं लेना है, आपको बताना है सिर्फ कि कैसे। तो जो अपनी वॉर आर्क हुई थी, जिसमें अपनी टीम 7 ने हराया था कागोया उचित्सुकी को, तो उस टाइम नारुतो था 16 इयर्स ओल्ड। पर तभी अगर हमने अच्छे से कैलकुलेट किया तो आयडा उस टाइम का कुछ नहीं देख सकती, क्योंकि आयडा तब बिल्कुल वो पैदा भी नहीं हुई होगी। इसके लिए वो कुछ भी नहीं देख सकती थी क्या हुआ था पास्ट में। तो सुन लो, बोरुटो है बड़ी गलती, पर उसमें थोड़ी फार अक्ल है। उसने दिमाग लगा के कुछ करके दिमाग लगा के उसने किया होगा स्पेस टाइम निंजित्सु, और फिर वो आया होगा आयडा जब पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पे, जब टीम 7 लड़ रही थी। तो अभी इसके दो कंपैरिजन निकल सकते हैं। एक कि भाई उसको मिलना है नारुतो से, इसके लिए वो गया होगा कि लाइ, तो उसको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जिससे वो प्रूफ कर सके कि वो असल में नारुतो उज़ुमाकी का बेटा लड़का है। सबसे बड़ी गलती है वो। हाँ, और दूसरा कंपैरिजन ये निकलता है कि वो कागुया उत्सुत्सुकी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्सुत्सुकी का क्या है ऐसे वैसे। तो ऐसे निकल सकता है, ये मैंने क्लियर कर दिए बात कि हो सकता है। एनिमे में जैसे हमने देखा है कि एनिमे में दिखाया गया है कि वहाँ साकुरा बैठी हुई है, पर नहीं, साकुरा वहाँ पे नहीं बैठी हुई है। मांगा के जो चैप्टर 687 पेज 4 पे हमको ये दिखाया जाता है कि ओबिटो वहाँ पे खड़ा है और उसके पीछे एक मिस्टीरियस मैन खड़ा है। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि भी हो सकता है वहाँ पे। तो मैंने इतना क्लियर कर दिया है कि बोरुतो हो सकता है। तो भाई आज की वीडियो बहुत छोटी है इसके लिए, तो प्लीज़ गाइस, मैंने अपनी वॉइस भी रिवील कर दी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।